नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मुजाउदिया मनीष चैनल पर। आज आपके लिए कल एक नोटिफिकेशन आया था शाम को पीएटी की, आपकी एक नई जो वैकेंसी आ गई हैं ये पीएटी की आ गई हैं। तो मैं आपको इसके बारे में पूरा बता देता हूँ कि इसको कौन कौन फिल कर सकता है, ठीक है। तो जो इस चैनल से जुड़े वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकॉन प्रेस कर लेना, और हमारी जो क्लासेस चल रही हैं पीएटी की, पीएनएसटी की, पीवीएफटी की, तो जो जुड़ना चाहता है पीएटी में वो इस नंबर पर मैसेज करके पीएटी लिख देना, 9753749986। ये फ्री क्लासे रहेगी सारी, ठीक है। तो पीएटी लिख देना, जो भी पीएटी में जुड़ना चाहते हैं, है ना, उनके लिए 1 महीने तक एक क्रैश कोर्स चलेगा जो 2 से 3 घंटे डेली रहेंगे और चैप्टर वाइज क्लासे चलेगी, ठीक है। तो जो ऐड होना चाहते हैं वो इस नंबर पर मैसेज करके ऐड हो सकते हैं। अब मैं आपको पूरा बताऊंगा कौन कौन इसको फिल कर सकता है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इसमें आपको बहुत सारे वीडियो मिलेंगे, ठीक है। चलिए, आपके फॉर्म आए हैं, कल भरने की प्रारंभिक तिथि है, कब से फॉर्म चालू हो जाएंगे, कल इसका नोटिफिकेशन आया था 18 तारीख को। तो आपके 31/8 कितनी, 31/8/2022, अभी 31 तारीख से इसके ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे 31/8 को। लास्ट डेट रहेगी 14/9, 15 दिन मिलेंगे आपको, 14/9 को इसकी लास्ट डेट रहेगी। आप फॉर्म भरते हो उसमें अगर कोई दिक्कत आती है तो आप उसको सही करा सकते हो, तो आवेदन में जो संशोधन होता है 19/9 को संशोधन हो जाएगा, ठीक है। 31/8 मतलब इस 31 तारीख से आपके पीएटी के फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। इसकी एग्ज़ाम डेट कब आएगी, 15-16 अक्टूबर, ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा, मतलब अभी सितंबर चल रहा है, 19 सितंबर, तो 19 अक्टूबर, मतलब 25 दिन मिलेंगे आपको, 25 दिन, हर एग्ज़ाम में आपको 25 दिन ही मिलेंगे। पीएटी की एग्ज़ाम व्यापम के शेड्यूल में नहीं थी और उन्होंने दे दी। इसी प्रकार आपकी पीएनएसटी की एग्ज़ाम भी इसी तरह होगी, अगले महीने 15 दिन मतलब सितंबर में आ जाएगी और 25 दिन में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, है ना। तो अभी भी आपके पास समय है, तैयारी कर लेना पीएनएसटी की भी, ठीक है। चलिए, तो इसमें क्या क्या है, इसमें आपके फॉर्म आ रहे हैं 31/8 को आएंगे, लास्ट डेट रहेगी आपकी कब, इसके लास्ट डेट रहेगी 14/9, एग्ज़ाम कब होगा, 15-16 अक्टूबर को, ठीक है। 1 महीना बचा है, आज से 1 महीना भी नहीं बचा, 25 दिन बचे, ठीक है। चलिए, इसकी फ़ीस रहेगी अनारक्षित जनरल वालों के लिए 500, SC ST OBC वालों के लिए 250 रुपये, ठीक है। एग्ज़ाम 3 घंटे की होगी, 9 बजे से 12 बजे तक और 2 बजे से 5 बजे तक, 15 और 16 अक्टूबर को, ठीक है। और क्या क्या है इसमें, इसमें क्या क्या रहता है वो भी देख लेते हैं। आधार अभ्यर्थी का पंजीयन, ठीक है, कौन कौन डाल सकता है वो भी देख लेंगे। आप एग्ज़ाम पास कर लेते हो तो कहाँ कहाँ आपको एडमिशन मिलेंगे, ये सब इसमें लिख रखा है कि ये नियम पीएटी परीक्षा के नियम 2001 कहलाएंगे, जो कि मध्य प्रदेश शासन किसान कल्याण तथा कृषि विभाग विभाग द्वारा जारी तथा प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड द्वारा प्रकाशित किए गए हैं, वे निम्नलिखित। पीएटी का पता है, पीएटी का फुल फॉर्म तो पता है ना आपको, प्री एग्रीकल्चर टेस्ट, क्या होगा, प्री एग्रीकल्चर टेस्ट। ये सब आपको कॉलेज मिलेंगे, है ना, जो भी आप डिसाइड करना चाहते हैं, जो भी लेना चाहते हैं, इसकी पूरी PDF दूंगा मैं आपको, ये आराम से आप पढ़ लेना। आहार्त योग्यता, योग्यता क्या होनी चाहिए, इन चारों पाठ्यक्रमों की प्रवेश परीक्षा में वे छात्र भी सम्मिलित हो सकते हैं जो इस वर्ष माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश 10+2 पद्धति की 12वीं कक्षा या समकक्ष परीक्षा में सम्मिलित हो चुके हैं, जिन्होंने 12th पास कर ली हो, किंतु इन छात्रों को उपयुक्त प्रवेश तो चयन तभी मान्य होगा जब प्रवेश 10+12वीं कक्षा का उत्तीर्ण परीक्षा अंक सूची प्राप्त करें। मतलब जो को सभी फॉर्म डाल सकते हैं जिन्होंने 12th पास की हो, है ना, उसमें वो सब्जेक्ट मांगेंगे क्या क्या है वो भी आपको बताऊंगा। 12th पास की हो वो फॉर्म डाल सकते हैं। 12वीं में आपके कितने परसेंट, 10+2 प्रणाली की 12वीं कक्षा में अथवा समकक्ष परीक्षा में 45% अंक होना चाहिए, 45% अंक होना चाहिए, ठीक है। 12वीं में अगर आपके 45% होंगे तो आप फॉर्म फिल कर सकते हो। कौन कौन फॉर्म फिल करेगा ये भी मैं इसमें बता रहा हूँ आपको। शारीरिक योग्यता देख लीजिए, शारीरिक योग्यताएँ, BSc नर्सिंग पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु प्रत्यार्थियों को प्रवेश के पूर्व निम्न अनुसार शारीरिक स्तर प्राप्त करना आवश्यक है। हाइट होनी चाहिए 167 सेंटीमीटर, चेस्ट होना चाहिए 84 सेंटीमीटर, चेस्ट एक्सपेंशन होना चाहिए 5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये शारीरिक योग्यता है आपकी। इसमें आयु सीमा प्रवेश हेतु न्यूनतम और अधिकतम आयु सीमा कोई भी निर्धारित नहीं है, है ना। आयु सीमा आप कोई भी फॉर्म डाल सकते हैं, इसमें आयु सीमा जो 12वीं पास हैं, है ना, जिन्होंने 12th पास कर ली 45%, है ना, वो उसमें आयु सीमा नहीं दे रखी, कोई कौन सा भी वर्ग वाला डाल सकता है, आयु सीमा इसमें नहीं है, ठीक है। चलिए, अगला,
12वीं पास होना चाहिए, 45% होना चाहिए। ये योग्यता देख लेते हैं क्या है। बीएससी कृषि पाठ्यक्रमों की प्रवेश परीक्षा में वे छात्र भी सम्मिलित हो सकेंगे जो इस वर्ष माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश की 12वीं कक्षा या समकक्ष परीक्षा में सम्मिलित हो चुके हैं या होने वाले हैं, किंतु इन छात्रों को उपरोक्त पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु चयन तभी मान्य होगा जब वे प्रवेश के समय 12वीं की कक्षा या समकक्ष परीक्षा की उत्तीर्ण की अंक सूची प्रस्तुत करेंगे। ऐसे आवेदकों जो इस वर्ष की अहकारिता परीक्षा में उत्तीर्ण होकर बाद की किसी भी परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं वे प्रवेश के पात्र नहीं होंगे, भले ही उन्होंने पीएटी की प्रेरणता सूची में स्थान क्यों नहीं। ठीक है, तो बीएससी वालों के लिए बीएससी में प्रवेश मंडल द्वारा जारी मेरिट लिस्ट के आधार पर दिया जाएगा। आपकी एग्ज़ाम होगी 3 घंटे की अवधि के, 60 मिनट है ना, उसके बाद और क्या रहेगा इसमें, प्रवेश पत्र आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा। और बता, इसमें माइनस वस्तुनिष्ठ प्रश्न का सही उत्तर पर अंकित करने पर 1 अंक दिया जाएगा, इसमें माइनस मार्किंग नहीं रहेगी। ठीक है, ये लीजिए, ये देखो, परीक्षा भरने की प्रारंभिक तिथि 31/8, लास्ट डेट 14/9 है ना, 15 दिन मिलेंगे और उसके 20 दिन बाद एग्ज़ाम हो जाएंगे। ठीक है, तो 15-16 अक्टूबर को एग्ज़ाम है, शनिवार रविवार को 3 घंटे का पेपर है, 9 से 12 को 1 होगा, 2 से 5 होगा, 200-200 नंबर का आपका पेपर होगा। कौन कौन डाल सकते हैं ये लिखा हुआ है, जिन्होंने परीक्षा में हिंदी अंग्रेजी माध्यम में वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होंगे, जिन्हें प्रत्येक प्रश्न के 4 संबंधित उत्तर विकल्प, परीक्षाओं के सही उत्तर चुनकर उसे संबंधित गोले का कंप्यूटर के माध्यम से होगी, ऑनलाइन होगी, विभिन्न पाठ्यक्रमों के अंतर्गत विषय की जानकारी। ठीक है, जिनका सब जिन्होंने 12th पास किया हुआ है ना, 12th पास किया हुआ 45% हो, और सब्जेक्ट क्या हो, जिनके 12वीं में है ना, जिन्होंने 12th में फिजिक्स केमिस्ट्री या मैथ्स हो। ठीक है, तो उनको क्या क्या, कौन कौन से कॉलेज मिलेंगे, वो कौन कौन सा फार्म डाल सकते हैं। देखो, आपने 12th करी हो और उसके बाद आप एग्रीकल्चर फील्ड में जाना चाहते हो है ना, तो उसके लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा। जैसे आपने पीएटी का फॉर्म डाला है ना, आपके सब्जेक्ट होना चाहिए 12वीं में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, ठीक है, या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, या आपने एग्रीकल्चर से किया हो, वो फॉर्म डाल सकता है। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से, अगर आपके ने फिजिक्स हैं, केमिस्ट्री हैं, मैथ्स हैं, तो आप बीटेक इंजीनियरिंग कर सकते हो, बीएससी एग्रीकल्चर कर सकते हो, बीएससी हॉर्टिकल्चर में फॉर्म डाल सकते हो, बीएससी एजी में फॉर्म डाल सकते हो। ठीक है, आप इसमें फॉर्म डाल सकते हो अगर आपका सब्जेक्ट 12th के बाद है ना, आपने 10th पास की, उसके बाद आपने 11th में जो भी कोर्स लिया हो, अगर आपने फिजिक्स लिया हो, केमिस्ट्री लिया हो, तो मैथ्स, ठीक है, तो आपके इसमें फॉर्म डाल सकते हो। ठीक है, चलिए, जिसमें आपका क्या क्या रहेगा, फिजिक्स रहेगी 50 नंबर की, केमिस्ट्री रहेगी 50 नंबर की, 100 नंबर का आपका मैथ्स रहेगा। कौन कौन, अगर आपने, आपको ये करना है, बीटेक, बीएससी, बीएससी, बीएससी है ना, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री और एजी। ठीक है, साइंस सब्जेक्ट अगर आपने फिजिक्स केमिस्ट्री, अगर बायोलॉजी लिया हो, अगर आपने बायो से करा हो है ना, तो उसमें आपको क्या क्या मिलेगा, आपको एग्रीकल्चर मिलेगा, हॉर्टिकल्चर मिलेगा, फॉरेस्ट्री मिलेगा, ये नहीं मिलेगा आपको, बीटेक इंजीनियरिंग इसमें नहीं होगा, इसमें होगा अगर आपका बायोलॉजी हो। आपका जो भी सब्जेक्ट होगा, अगर आपने 11th में बायोलॉजी लिया होगा, तो आपके 100 नंबर का बायोलॉजी आएगा, और अगर आपके मैथ्स सब्जेक्ट होगा, तो आपका 100 नंबर का एक पेपर होगा। ठीक है, अगर आपने एग्रीकल्चर लिया होगा, तो आपके 100 नंबर का एग्रीकल्चर होगा। ठीक है, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, ठीक है, चलिए, ये सब आपका रहेगा, फिजिक्स केमिस्ट्री एग्रीकल्चर, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, ये आपका पेपर रहेगा, 200 नंबर का पेपर रहेगा। 11th में आपने फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या मैथ्स सब्जेक्ट या एग्रीकल्चर, ये फॉर्म डाल सकते हैं। ठीक है, 12वीं में आपके 45% होना चाहिए। आयु सीमा इसमें कोई भी दिखा नहीं रखे हैं, 200 नंबर का पेपर होता है। अगर आपका साइंस सब्जेक्ट हो, साइंस में आपके फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ्स हो है ना, तो आप ये वाला फॉर्म डाल सकते हो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में अगर आप ये डाल सकते हो है ना, जो भी आपका सब्जेक्ट होगा, अगर आपका बायोलॉजी है, तो आपका बायोलॉजी का 100 नंबर का पेपर आएगा, अगर आपका मैथ्स है, तो आपका मैथ्स का 100 नंबर का पेपर आएगा। ठीक है, तो इसमें साइंस और मैथ्स और एग्रीकल्चर वाले फॉर्म डाल सकते हैं। ठीक है, कोई भी डाल सकता है, साइंस, एग्रीकल्चर और मैथ्स, ये लिखा हुआ है आपके सामने। ठीक है, उसके बाद आपको, मतलब कुल मिलाकर पीएटी मतलब होता है प्री एग्रीकल्चर टेस्ट, क्या होता है प्री एग्रीकल्चर टेस्ट, मतलब आप 12th के बाद अगर एग्रीकल्चर फील्ड में जाना चाहते हो, तो आपको ये मिलेगा है ना। जैसे आपने पीएटी पास किए, तो आपको इसमें एडमिशन ले सकते हो, इसमें 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 इसमें, जहां जो सब्जेक्ट से आप डालोगे, उसमें आपको एडमिशन मिल जाएगा। ठीक है, चलिए,
और कोई समस्या हो तो आप पूछ सकते हो। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल जुड़ सकते हैं, 9753749986 पर आप मैसेज कर सकते हैं। आपकी डेली क्लासें चल रही हैं तो हम आपको डेली क्लास में ऐड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, धन्यवाद है आप सभी का वीडियो देखने के लिए। और ये बात भी जान लेना कि आपकी PVFT और PNST बहुत जल्दी आने आ जाएगी, ठीक है। तो वीडियो पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं, और कोई समस्या हो तो पूछ सकते हैं।